distance away from home. Steps were difficult, I'm exhausted, but I did not fall. I hope something good is coming up. Free like a bird, but also bound up, and my footsteps on the ground. I raise my head, listen to the sounds. I'm happy with what I have found. Just breathe, just breathe, just breathe, just breathe. So hello guys, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे. स्ट्रेट फॉरवर्डली ये वीडियो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले. सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग की. सबसे मेन मुद्दा जो था, काफ़ी लोग काफ़ी कमेंट्स आए थे कि हैव यू प्लान्ड योर ट्रिप ऑन योर ओन, और हैव यू यू नो प्लान्ड योर ट्रिप थ्रू सम थर्ड पार्टी लाइक मेक माई ट्रिप और यू नो केसरी, ये सब होते हैं ना ट्रेवल्स. तो नो, वी प्लान्ड इट कम्प्लीटली ऑन आर ओन. हमने खुद ही सब टिकट्स बुक किए, आइटिनरी बनाई है, सब कुछ हमने खुद ही किया है. सो दिस इज़ इट. सबसे पहली बात, दिस कम्प्लीट जो मैं बात कर रहा हूँ, कम्प्लीट वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ टू प्लान अ बजट ट्रिप टू मालदीव्स. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बुकिंग्स. व्हेन डू यू डू द बुकिंग्स? वी बुक द टिकट्स 45 डेज बिफोर, अराउंड डेढ़ महीना पहले हमने टिकट बुक किए थे फ्लाइट और होटल के. दोनों के दोनों बुक हो गए, दैट्स इट. यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स. वीज़ा अप्लाई करने की जरूरत है नहीं, बिकॉज वीज़ा ऑन अराइवल है. यू जस्ट नीड अ पासपोर्ट फॉर दैट. सेकेंड इज दैट आप जब भी बुक कर रहे हो, सो आप घाई घाई में बुक मत करो. यू बुक इट थ्रू अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स. सो अलग अलग वेबसाइट से आप चेक करो रेट्स. सबसे बेस्ट रेट जो है वो आप बुक कर सकते हो कंपेयरिंग ऑल द वेबसाइट्स. और सिंपली यू कैन यूज ऐप लाइक वेगो, जो विच आई यूज़ ऑल द टाइम. आई टेल यू, मल्टीपल वेबसाइट से आपको यू नो सबसे बेस्ट रेट आपको दे देगा निकाल के, और देन यू कैन डायरेक्टली बुक इट, और यू कैन बुक इट ऑन योर ओन. बट ये वेगो जैसे ऐप होने से थोड़ा यू नो कन्वीनियंट हो जाता है. नाउ हाउ मच वॉज द कॉस्ट ऑफ द फ्लाइट? सो वी बुक द फ्लाइट फॉर मे एंड वी बुक इट 45 डेज डेट मैंने पहले. द फ्लाइट कॉस्ट जाने आने का हम दोनों का वॉज 29,000. सो इन एन अप्रॉक्स 15,000 पर हेड गोइंग एंड कमिंग. दिस इज द कॉस्ट ऑफ द फ्लाइट इफ यू बुक इट 1.5 और 2 मंथ्स बिफोर फॉर द मंथ ऑफ मे. अभी दिस माइट चेंज डिपेंडिंग ऑन द सीजन टाइम. सो यू नो इट माइट बी लेस, इट माइट बी मोर, इट रियली डिपेंड्स. बट आई सजेस्ट कि आप 2 महीने पहले ही अपना बुकिंग कर दो, फ्लाइट और होटल का दोनों. होटल का भी पेड फॉर 5 डेज अराउंड 20,000 रुपीज. सो पर डे जो भी है 4,000 के आसपास हमको पर डे पड़ा है. 5 डेज 20,000 रुपीज इंक्लूडिंग टैक्सेस. दिस इज द मेन पॉइंट. सबसे पहले जब भी आप बुक करोगे होटल बुकिंग्स फॉर मालदीव्स एनीवेयर इन मालदीव्स, मेक श्योर टू रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस. एकदम ध्यान से, एकदम प्रॉपरली इसको रीड करो, क्योंकि कुछ कुछ होटल्स में उनका टैक्सेस बहुत ज़्यादा होता है और वो ऑन अराइवल आपको पे करना पड़ता है. जैसे कि दिस वॉज लाइक द 10th और 12th होटल जो हमने शॉर्टलिस्ट किया था, बिकॉज पहले जो होटल हमने शॉर्टलिस्ट किए थे उसमें दिख रहा था सस्ता, 3,000 रुपये पर डे, 4,000 रुपीज़ पर डे, और even 2,000 रुपीज़ पर डे. बट देन ऑन अराइवल यू हैव टू पे 30,000 टैक्स. ये सब नॉनसेंस था. ये मुझे पता नहीं क्या है, बट वहाँ लिखा था, मैंने रिस्क लिया नहीं. मैंने ऐसे होटल ढूंढे जिसमें ऑन अराइवल कोई टैक्स लिखा हुआ नहीं है. सो द होटल दैट वी बुक्ड, कानी विलेज एंड स्पा इन माफूशी, ये एक अच्छा होटल है. कानी ग्रैंड भी है. सो इफ़ यू वॉन्ट टू प्लान ट्रिप लाइक अस, यू कैन डू इट लाइक दिस. बट फिर से टर्म्स एंड कंडीशन जरूर उसको चेक कीजिए. सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि वेन एवर यू प्लान अ होटल फॉर मालदीव्स, लेट इट बी ऑन एनी आईलैंड. यू चेक विद द होटल बाय कॉलिंग देम, यू नो कि वेन इज द बोट सर्विस अवेलेबल फ्रॉम एयरपोर्ट टू द होटल आईलैंड, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वाई मैं आपको बताता हूँ. आपने अगर मेरे वीडियोज़ देखे होंगे, सो हमारा जब रिटर्न फ्लाइट थी, जाते टाइम फ्लाइट हमारी लैंड हुई 4 बजे और स्पीड बोट आ गई थी लेने के लिए. हालांकि 3:30 बजे जो पब्लिक फेरी होती है, सबसे बहुत सस्ती होती है, $2 per person उसका रेट था. स्पीड बोट का $20 per person था. इट इज़ लाइक 10 times द डिफरेंस. वो 3:30 बजे की थी, ये पता नहीं था हमको. अगर पता होता तो हम उस हिसाब से फ्लाइट बुक करते. अगर नहीं होती तो ठीक है, स्पीड बोट तो है ही. बट रिटर्न आते टाइम हमारी 8:30 बजे की फ्लाइट थी. एंड द मोस्ट फालतूगिरी वी डिड इज दैट वी डिडंट चेक विद द होटल फेरी, बिकॉज अपने को पता नहीं ना. हम लोग पहली बार जा रहे हैं ऐसे देश में जिसमें आईलैंड से बोट से जाना पड़ता है. सो वो सब दिमाग में आया नहीं, और उसकी वजह से 8:30 बजे एयरपोर्ट की हमारी फ्लाइट थी फ्रॉम यू नो माले टू मुंबई, और बोट द फर्स्ट बोट फ्रॉम माफूशी वॉज 7:30.
सो इट वॉज इम्पॉसिबल. जो जो पब्लिक बोट होती है, प्राइवेट बोट आपको सुबह 5:30 बजे मिलेगी नहीं. अदर देन दैट अगर आपको आना ही है तो प्राइवेट बोट से आप आ सकते हो, बट देन $150 देना पड़ेगा. सो ये सब चीज़ें आप कंसिडर करो इफ़ यू आर बुकिंग होटल. चेक विद द होटल वेन इज द लास्ट जो जो फेरी होती है, दोनों फेरी, एक एक तो प्राइवेट फेरी जो अपना शेयर्ड स्पीड बोट होती है $20 पर पर्सन, और पब्लिक फेरी. ये दोनों आप कंसिडर करो सबसे पहले. उसका टाइमिंग जो है एयरपोर्ट तक, मतलब माले तक या एयरपोर्ट तक, वो चेक कर लो. उसके बाद आप अपनी रिटर्न फ्लाइट करो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं तो फिर आपको एक दिन पहले आना पड़ेगा. लाइक जैसे हम रात को माले आए थे, माले एयरपोर्ट में रात भर यू नो हमने टाइम गुजारा है. या तो व्हाट यू कैन डू इज वाइल प्लानिंग ओनली होटल से अपने आइलैंड वाले होटल से चेकआउट करो. माले लास्ट डे आओ, लास्ट डे माले घूमो और नेक्स्ट डे माले से चेकआउट करके सुबह की फ्लाइट पकड़ लो. दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू. हमको पता नहीं था तो हमको वही करते, फिर हमारा बीच का एक दिन हमारा गैप आ जाता, हम लोग कहीं और जा सकते थे बिकॉज हम एक्सक्लूसिवली माले गए थे इन ऑन द सेकेंड डे और थर्ड डे फ्रॉम माफूसी टू एक्सप्लोर माले. अगर पता होता ऐसा तो हम लास्ट डे माले में ही रुकते और लास्ट डे एक्सप्लोर करते और नेक्स्ट डे फ्लाइट से वापस आ जाते. सो डू कीप दिस इन कंसिडरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मालदीव्स ट्रैवलिंग. मालदीव्स में खाने का थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है, टू बी वेरी फ्रैंक थोड़ा प्रॉब्लम है फॉर इंडियंस. आई डोंट नो, मे बी अदर्स लोग, बाकी लोगों के लिए नहीं होगा बट इंडियंस के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है. ऊपर से इफ यू आर वेजिटेरियन देन और भी बड़ा प्रॉब्लम है. सो एक डिनर अगर आपका रोज का रेडी हो इन योर होटल, दैट इज द बेस्ट थिंग. दैट इज द बेस्ट थिंग, ट्रस्ट मी ऑन दैट. आप डिनर रिजर्वेशन एवरी डे, वो वाला पैकेज कर लो वेन यू आर बुकिंग द होटल. नेक्स्ट इज यू डोंट नीड टू एक्टिवेट एनी सिम कार्ड इन मालदीव्स. आई डोंट थिंक मुझे कोई ज़रूरत पड़ा नहीं बिकॉज एवरीवेयर देर इज वाईफाई. कोई भी रेस्टोरेंट में जाओ वाईफाई मिल जाएगा, आपके होटल में वाईफाई मिल जाएगा, एयरपोर्ट में वाईफाई है. इवन इन माले सिटी देर इज स्लो बट फ्री वाईफाई कुछ कुछ जगह पे मैंने कनेक्ट किया था. सो बेसिक व्हाट्सएप कॉल्स और ये सब चले जाता है एंड बाकी और रेस्टोरेंट्स और होटल्स में तो वाईफाई चलता है. सो यू कैन मेक कॉल्स. यू डोंट नीड अ सिम कार्ड एक्सक्लूसिव. अगर आपको लेना ही है, लाइव स्टोरीज डालनी है कहीं जा रहे हो तो देन यू कैन गेट इट. बट हमने नहीं किया बिकॉज इट वॉज अ बजट ट्रैवल, सो यू कैन सेव सम मनी. हो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सीजन, विच इज द बेस्ट सीजन टू गो टू मालदीव्स. वेल द बेस्ट सीजन जो हमने वहाँ लोकल लोगों से भी आस्क्ड टू देम, बेस्ट सीजन टू गो टू मालदीव्स इज नवंबर टू मार्च. जो अपना विंटर वाला सीजन होता है, एकदम बढ़िया कूल सा सीजन होता है. बट If you are planning to do, if your target is to do scuba diving in Maldives, तो उसके लिए best time है from around February to May. ऐसा वो scuba diving वाले ने मुझे बोला था. So we went in May, so it was the last month of the season. उसके बाद फिर बारिश चालू हो जाएगा, फिर breeding के लिए मछलियाँ दूर चले जाएगी. So ऐसा सब है. So make sure you plan your trip accordingly. आपको जो चीज़ देखना है, जो चीज़ करनी है, उस हिसाब से आप प्लान करें. आई थिंक द बेस्ट टाइम टू विजिट मालदीव्स इज जनवरी, फरवरी, मार्च. दिस इज़ द बेस्ट टाइम यू कैन विजिट देयर. फरवरी मार्च में आप लोग यू नो स्कूबा डाइविंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे. मार्च में, मार्च इज़ द बेस्ट, व्हाट इज़ व्हाट आई फील. व्हाट अबाउट मनी? मालदीव्स की करेंसी है रुफिया, रुफिया नॉट रुपिया. सो वन रुफिया इज अराउंड 4.5 इंडियन रुपीज. सो 10 रुपया इज 42 कुछ ऐसा है, 42 रुपीज़. सो व्हेन यू एक्सचेंज द मनी, सो INR इंडियन रुपीज़ आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा बिफोर गोइंग टू मालदीव्स बिकॉज वहाँ पे इंडियन रुपीज़ नहीं चलती. यू नीड टू एक्सचेंज इन अ करेंसी जो वहाँ पे चले. अभी रुपया तो वहाँ का करेंसी है तो वहाँ चलेगा, बट देन डॉलर्स इज एक्सपेक्टेड क्या बोल रहा हूँ मैं, डॉलर इज एक्सेप्टेड इन मालदीव. आप कहीं भी जाओ, एवरी रेस्टोरेंट टेक्स डॉलर्स. हम आई डोंट थिंक आई केम अक्रॉस एनी शॉप जहाँ पे डॉलर चला नहीं. हम लोग सब डॉलर लेके गए थे. वी कन्वर्टेड 220,000 इंडियन रुपीज़ टू डॉलर्स. मेक श्योर यू कन्वर्ट द मनी, मेक श्योर यू एक्सचेंज द मनी आउटसाइड, नॉट इन एयरपोर्ट, बिकॉज एयरपोर्ट पर आपको काफ़ी कम रेट मिलेगा. जैसे मैंने बाहर एक्सचेंज किया था, मुझे कुछ 70 पॉइंट कुछ मिला एक्सचेंज रेट, बट आई जस्ट डिड इंक्वायरी इन द एयरपोर्ट, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो देयर इट वॉज 66. सो 4 रुपीज पर डॉलर, सो विच इज़ अ बिग अमाउंट. सो आप प्री प्लानिंग में ही आप बाहर से फॉरन एक्सचेंज करा ले. लॉट ऑफ ऑफिसेज आर देयर, थॉमस कुक से लेके बहुत सारे. यू कैन जस्ट गूगल फॉरेक्स ऑफिसेज नियर योर एरिया. अगर नहीं है, इफ़ यू आर फ्रॉम अ सिटी जहाँ पे फॉरन एक्सचेंज नहीं होता, सो वेन यू आर कमिंग टू द एयरपोर्ट सिटी जहाँ से आप उड़ने वाले हों, सो वहाँ पे आप बाहर से करा लो. अगर आप थोड़ी
यू नो बाहर एयरपोर्ट के बाहर कई ऑफिस मिल जाएगी आपको, सो यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली. आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा, बजट थोड़ा आपका बढ़ जाएगा, बिकॉज देन यू विल एंड अप स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी इफ यू एक्सचेंज इन द एयरपोर्ट. सो मेक श्योर यू एक्सचेंज इनफ मनी जो आपको लगता है कि वहाँ काम आए. वहाँ पे कार्ड चल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, कार्ड चल जाएगा, बट मेक श्योर यू एक्टिवेट यूर इंटरनेशनल यूसेज ऑन योर कार्ड. बिकॉज हम लोग के साथ हुआ था, हम लोग स्कूबा डाइविंग करने गए थे, $75 चाहिए थे. अगर हम कैश दे देते तो फिर कैश हमारी खत्म हो जाती एंड फिर और एटीएम से जाओ, एटीएम से ट्रांजेक्शन पे और उसका चार्ज लगेगा. सो वी जस्ट केप्ट आर कैश, वी ट्रांजेक्टेड थ्रू क्रेडिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड पता चला कि इस पर इंटरनेशनल यूसेज एक्टिव है नहीं, सो बड़ी मुश्किल से हमने उसको वही के वही एक्टिवेट किया. एक घंटा लगा बट हमने किया. सो बेटर ये सब चीज़ें आप पहले ही कर लो, हमको नहीं पता थी तो वी मतलब अभी पता चल गया. सो आई एम टेलिंग यू गाइज कि आप उसको एक्टिवेट करा लो, इट विल बी बेटर फॉर यू. मेक श्योर यू टेक अ क्रेडिट कार्ड विथ यू देयर, बिकॉज डेबिट कार्ड हर जगह चलेगा, डाउट है क्रेडिट कार्ड चल जाता है. एंड कीप सम स्पेयर मनी कैश विथ यू ऑल द टाइम टिल द एयरपोर्ट, जब तक आप फ्लाइट से उड़ो नहीं वापस अपने देश, बिकॉज यू डोंट नो वेर यू नीड कैश. सो थोड़ा बहुत कैश तो आप रखो, देन यू कैन यूज योर कार्ड अकॉर्डिंगली. वो सब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या वहाँ करना चाहते हैं. सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जब भी आप होटल बुक करते हो, सो आई वुड रिकमेंड यू बुक द होटल फर्स्ट. होटल का टाइमिंग्स देखो, उस हिसाब से आप फ्लाइट बुक करो. फिर होटल वाले को निकलने के एक दिन पहले मेल डालो एंड कॉल करो. सबसे पहले कॉल करो, यू आस्क हिम कि व्हाट इज़ द टाइमिंग फॉर स्पीड बोट. मतलब आप जब बुक करोगे तब तो कॉल करो ये कन्फर्म करने के लिए, बिकॉज यू हैव टू बुक द फ्लाइट टिकट्स अकॉर्डिंग टू द बोट टाइमिंग्स. देन बिफोर लीविंग वन डे बिफोर यू कॉल एंड कन्फर्म द टाइमिंग ऑफ द बोट. अभी उनको बताओ कि आप कब आने वाले हो एयरपोर्ट पे, ताकि वो आपको पिकअप करने के लिए वहाँ रेडी रहे स्पीड बोट के साथ. सेकेंड इज यू हैव टू मेल देम. सो बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशंस में रहता है कि यू हैव टू मेल द होटल मैनेजमेंट. वो डिपेंड करता है, हर होटल पे अलग अलग हो सकता है. हमारे होटल में ये था, आपके होटल पे टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा रहेगा. सो मेक श्योर यू रीड टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ध्यान से, एंड देन अकॉर्डिंगली आप उनको मेल करो या कॉल करो एंड आस्क देम टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर बोट, बिकॉज देर इज नो वे इन मालदीव्स दैट यू कैन ट्रैवल थ्रू फ्रॉम वन आइलैंड टू अनदर आइलैंड विदाउट अ बोट. देर इज नो पब्लिक फेरी फ्रॉम माले एयरपोर्ट. सो बेसिकली जो दो आइलैंड्स हैं ऑन मालदीव्स, वन इज द मेन माले यू नो आइलैंड, वन इज हुलू माले जो वहाँ पे एयरपोर्ट है. सो फ्रॉम एयरपोर्ट के बाहर ही देर इज अ डॉक काइंड ऑफ प्लेस जहाँ से स्पीड बोट आके पब्लिक को लेके जाती है. वहाँ पे पब्लिक फेरी नहीं आती, पब्लिक फेरी इज इन माले, इनसाइड माले. सो एयरपोर्ट से वहाँ जाने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, टैक्सी करनी पड़ेगी या तो मे बी बस करनी पड़ेगी. बस भी मिल जाएगी आपको, 10 रुपया का कुछ टिकट है, आधे घंटे का मैक्सिमम आधा घंटा आपको लगेगा, आधा घंटा भी नहीं लगेगा, बट चलो लेट्स अज्यूम. बट माफूसी का मेक श्योर यू नो द टाइमिंग्स ऑफ द पब्लिक फेरी इफ यू आर इन स्ट्रिक्ट बजट. हम लोग का जो आइलैंड था उसके लिए जो टाइमिंग था वो था 7:30 माफूसी से मालदीव्स माले फेरी टर्मिनल, जो पब्लिक वाला फेरी टर्मिनल, वहाँ तक 7:30 और वापस आने का इट वॉज 3:30 PM इन द आफ्टरनून. बस एक ही बोट आपको जाने को मिलेगी, आने को मिलेगी. पब्लिक ट्रांसपोर्ट $2 पर पर्सन, वेरी चीप, बट ओनली वन बोट इन अ डे फॉर वन टाइम. मतलब जाने आने के लिए एक एक बोट, दैट्स इट. बट स्पीड बोट डिपेंड, स्पीड बोट अगर कस्टमर्स बहुत सारे रहे तो देन वो लोग स्पीड बोट निकाल रहे हैं. स्पीड बोट इज $20 पर पर्सन, मतलब आपको मिल ही जाएगी. होटल मैनेजमेंट आपको मैनेज करके देगी. एवरी आइलैंड में आई थिंक स्पीड बोट के अलग अलग प्राइवेट कंपनीज है ट्रांसपोर्टेशन के, तो स्पीड बोट दिन भर चालू रहती है. उनके हर एक कंपनी की अपनी अपनी स्पीड बोट चालू रहती है. सो हर 2-3 घंटे में एक स्पीड बोट मिल जाती है. बट देन यू विल एंड अप स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी इन स्पीड बोट. सो अगर आप प्लान कर रहे हो कि आप अलग अलग आइलैंड्स में घूमने वाले हो फॉर लॉट ऑफ टाइम, तो स्पीड बोट्स पे आप लोग $20-$40 जाना आना वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है. सो प्लान अकॉर्डिंगली आपके आइलैंड पे अगर आप जो भी आइलैंड पे जा रहे हो वहाँ पे अगर स्पीड बोट के अलावा अगर गवर्नमेंट वाला वो फेरी टर्मिनल नॉर्मल वाला फेरी है, सो यू मेक श्योर यू हैव दैट इन्फॉर्मेशन विथ यू बिफोर गोइंग देयर, सो दैट यू कैन प्लान अकॉर्डिंग टू द फेरी टाइमिंग्स. या नाउ वी विल टॉक अबाउट चेक इन. जब वैन यू चेक इन द होटल, जब आप होटल जाते हो पहुँचते हो तो वही लोग आपका सामान लेके जाते हैं. अभी डिपेंड करता है होटल टू होटल, हमको पता नहीं, हमारे होटल ने तो ये किया, आई एक्सपेक्ट आई थिंक सब यही करते होंगे.
वो लोग सामान उठा कर लेके जाते हैं उन दैट ट्रॉली। अगर आपने वीडियो देखा तो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जब होटल पे चेक इन करते हो तो $3 पर पर्सन पर डे इज अ ग्रीन टैक्स। सो इफ यू आर वेटिंग इफ यू आर इफ यू लिविंग देयर फॉर 10 डेज यू विल एंड अप स्पेंडिंग $30 पर डे $3। सो $30 आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड यही चले गए। सो मेक दिस कीप दिस इन माइंड। नेक्स्ट इज द फेरी पेमेंट जो होता है आपका जो स्पीड बोट होती है। स्पीड बोट से आप एयरपोर्ट से यहाँ आए हो होटल में तो वो आपको होटल में पे करना पड़ता है। कार्ड भी चल जाता है कैश भी कर जाता है। एंड टैक्सेस वॉच आउट द टैक्सेस बिकॉज अगर आप बुकिंग के टाइम अपने टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ा एंड देन होटल वाले पूछेंगे भाई टैक्स भरो तो अभी व्हेन वी रीच मालदीव्स तो वहाँ पे घूमने फिरने का क्या सीन है। सो सबसे पहले मालदीव जाके आपको क्या करना है ये आपको पहले डिसाइड कर लो। वाटर स्पोर्ट्स अगर आपका फर्स्ट गोल है जैसा हमारा था सो फर्स्ट चांस हमको मिला वाटर स्पोर्ट करने के लिए स्कूबा डाइविंग $75 स्नॉकलिंग $25 पर पर्सन। ठीक है ऐसे बहुत सारे पैरासेलिंग फिर क्या वो स्पीड बोट राइड बनाना राइड ये सब चीज़ें हैं बट वो सब इंडिया में भी मिल जाती है। सो स्कूबा इन मालदीव्स इज द थिंग यू हैव टू डू बिकॉज वैसा वाला स्कूबा आपको इंडिया में नहीं मिलने वाला नोवेयर क्लोज टू इंडिया। मालदीव्स इज द क्लोजेस्ट प्लेस जहाँ पे आपको उस लेवल का स्कूबा डाइविंग मिलेगा जो कोरल रीफ्स नीचे है जो जो ब्लू पानी है जो क्लैरिटी है जो जो एनिमल जो नेचर है नीचे का जो पानी के नेचर का जो नेचर होता है आई डोंट थिंक वो इतना है। अंडमान निकोबार निकोबार में भी है बट देन वो भी एक ही बात होगी यू हैव टू गो देयर वहाँ पे भी जाना इतना सस्ता है नहीं। सो मेक श्योर यू डू स्कूबा डाइविंग इट रियली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस मैं मेरी चॉइस बोल रहा हूँ। सेकंड इज आइलैंड टूर्स यू कैन डू आइलैंड टूर्स जो प्राइवेट आइलैंड्स जो होटल्स बड़े बड़े वाटर विलाज होते हैं वहाँ पे आप लोग टूर कर सकते हो। अगर आपको वो सब देखना है तो आप वो देख सकते हो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट टू सी। सो हर एक टाइप के आइलैंड का अलग अलग अपने अपने रेट है। इफ़ यू वांट टू गो टू ताज वाला बड़ा वाला एक्सोटिक का कोई तो था सो वहाँ पे यू हैव टू स्पेंड लाइक $200 पर डे पर पर्सन। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम $100 जो आपके होटल में बुकलेट रहेगा या मे बी किसी ना किसी ट्रैवल एजेंसी वहाँ पे बहुत सारे रहती है उनके पास रहेगा दे कैन अरेंज दिस फॉर यू। सो बेसिकली वहाँ पे आपको पूरा दिन का खाना पीना सब कुछ मिलेगा एंड यू विल सी ऑल द कंप्लीट आइलैंड वाटर विला देखेंगे। ऑब्वियसली आप उनके होटल के अंदर नहीं जा सकते बट बाहर से देख सकते हैं यू कैन गेट दैट फील आप फोटोज क्लिक कर सकते हैं। सो यू नो इफ यू वांट टू फ्लॉन्ट फोटोज क्लिक कर सकते हैं। सो आइलैंड टूर्स इज फॉर दैट। सेकेंड इज थर्ड इज माले सिटी यू हैव टू एक्सप्लोर वन डे बिकॉज इट इज़ रियली ब्यूटीफुल। वहाँ पे जो आइलैंड्स है वहाँ पे आपको अर्बन लाइफ ज़्यादा दिखती नहीं है। इफ़ यू वांट टू सी अर्बन लाइफ इन मालदीव्स सो माले सिटी यू हैव टू गो। सो वन डे कीप फॉर माले। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन डू लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज लाइक स्पा कैंडल लाइट डिनर्स अलग अलग जगह पे बहुत ही बढ़िया समुंदर जो बीचेस है वहाँ पे फ्लोटिंग बार्स। फ्लोटिंग बार्स से याद आया कि अल्कोहल इज नॉट अलाउड इन मालदीव्स ऑन देयर मेन लैंड। सो बेसिकली अल्कोहल मेन लैंड पर अलाउड नहीं है सो फिर कहाँ अलाउड है। सो फ्लोटिंग बार्स अभी फ्लोटिंग बार्स क्या है वीडियो में आपने देखा होगा एक शिप जैसा बाहर एक शिप रहती है सी शोर से कुछ थोड़ी डिस्टेंस पे एक शिप रहती है वो एक ही जगह पे खड़ी रहती है दैट इज़ द फ्लोटिंग बार दैट इज़ अ रेस्टोरेंट अ बार एंड अ रेस्टोरेंट। पीपल गो फ्रॉम द आइलैंड देयर वहाँ पे खाते हैं पीते हैं यू नो मस्ती करते हैं वापस आ जाते हैं। यू कैन नॉट हैव ड्रिंक्स यू कैन नॉट हैव अल्कोहल इन द मेन लैंड। आप कहीं भी जाओ यू विल नॉट गेट अल्कोहल यू विल गेट इट ओनली इन फ्लोटिंग बार्स एंड इन प्राइवेट आइलैंड जहाँ पे वाटर विलाज है। सो बेसिकली दोज आइलैंड्स आर प्राइवेट आइलैंड्स काइंड ऑफ उनका होगा कुछ आई डोंट नो देयर अंडरस्टैंडिंग बट देन यू कैन ड्रिंक देयर बिकॉज दैट इज नॉट द मेन लैंड दैट इज आई थिंक आउटसोर्स लैंड ऐसा कुछ होगा बट मेन लैंड जो है जैसे माफूची वॉज अ लोकल टाउन टाउन आइलैंड सो वहाँ नहीं मिलेगी माले में नहीं मिलेगी मेन लैंड में आपको कहीं भी यू नो अल्कोहल नहीं मिलेगी। सो ये चीज़ फॉर ऑल दोज पीपल हु आर थिंकिंग अबाउट इट। लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में अगर हम बात कर ले तो वहाँ जाके बाहर खाना पीना थोड़ा महंगा है। एग्जांपल देता हूँ एक राइस का छोटा सा मतलब राइस का एक प्लेट फिश फ्राइड राइस या चिकन फ्राइड राइस क्वान्टिटी अपने इंडिया से आधा रहता है मतलब बहुत कम क्वान्टिटी रहता है। आपका हल्का हल्का पेट भरेगा पेट भर के तो नहीं होगा आपको दो खाना पड़ेगा। वन प्लेट इज़ फॉर $3 to $5 इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ रेस्टोरेंट यू गो। टेस्ट इज़ नाइस आई मीन वहाँ का लोकल टेस्ट है मैं ये नहीं कहूँगा कि गंदी है इट इज़ गुड टेस्ट बट देन अभी इंडियन लोग को एक अलग टेस्ट का आदत है। सो आपको पानी का बॉटल लेना पड़ेगा एवरीवेयर देर आर सुपर मार्केट स्टोर देर आपको पानी का बॉटल सुपर मार्केट स्टोर में मिल जाएगा 1.5 लीटर का ₹30 जो इंडियन उसी मतलब ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं यू कैन बाय स्नैक्स फ्रॉम देयर। सो ये सब चीज़ें आप सुपर मार्केट से खरीदो जो आपको रेस्टोरेंट में लेने की जरूरत नहीं। सो इफ़ यू आर इन सब मेरा आपको प्यास लगी रेस्टोरेंट से पानी खरीद लिया
यू कैन अवॉइड दैट। पहले आप 1.5 लीटर की बॉटल सुपरमार्केट से ले लो या कोल्ड ड्रिंक ले लो या जो भी आपको चाहिए होगा ले लो। अगर ठंडा कुछ पीना है तो देन इट इज़ ओके टू गो टू अ रेस्टोरेंट। सो इन दिस वे यू कैन सेव सम मनी। टी, वहाँ पे चाय भी आपको मिल जाएगा, चाय एंड कॉफी आपको मिल जाएगा इन इन एनी रेस्टोरेंट। अराउंड 10 to 15 रुपया इज द चाय कॉस्ट, सो मल्टीप्लाइड बाय 4 आप कर लो इंडियन रुपीज। ये हो गए थिंग्स टू डू इन मालदीव। सो ये सब था मालदीव्स का एक बेसिक बजट में कैसे करे वाला वीडियो। आई हैव सम सजेशंस फॉर यू गाइज, सो मैं लास्ट में सजेशंस रखे हैं। सजेशन फॉर द कंप्लीट बजट ट्रिप, दिस सजेशंस आर ओनली फॉर बजट मालदीव ट्रिप्स। अभी आप लोग के पास बहुत पैसा है एंड इफ यू वॉन्ट टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी इन मालदीव एंड यू आर ओके विद दैट देन इग्नोर। आप जब भी होटल पहुँचते हो, फर्स्ट सजेशन इज आप जब भी होटल पहुँचते हो सबसे पहले ना जब फ्री टाइम मिले ना तो आइडेंटिफाई सम लोकल गुड एंड यू नो थोड़ा बजट वाले रेस्टोरेंट्स, क्योंकि आपको रोज का खाने का एक जगह होनी चाहिए कि आप रोज़ वहाँ जाके खा सकते हो और ज़्यादा महंगा ना हो। ट्रस्ट मी मालदीव्स में आप लोग मतलब अभी हम लोग बजट वाले रेस्टोरेंट में जाते थे और ऐसे ही छोटा मोटा ऐसा राइस का 2-3 प्लेट खा लिया और कुछ नहीं 1000 रुपये बिल आ जाता था, इंडियन रुपीज़ 1000 रुपये। सो 1000 रुपीज़ फॉर दैट काइंड ऑफ फूड इज एक्सपेंसिव बिकॉज वी आर यूज टू इंडियन फूड। 1000 रुपीज़ में इंडिया में आप लोग जलसा कर लोगे, सो दैट इज़ द डिफरेंस। सो आइडेंटिफाई बजट रेस्टोरेंट्स और उस हिसाब से फिर लंच के लिए अगर आप वो एरिया में हो तो आप जा सकते हो, डिनर के लिए जा सकते हो, आप कुछ और खाना है तो जा सकते हो। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स। द सेकेंड इज दैट वेन एवर यू आर गोइंग टू मालदीव्स, अभी हमने ये किया कि आप 4-5 दिन के लिए जा रहे हो तो बहुत सारा स्नैक्स लेके इंडिया से ही चले जाओ, इट वर्क्स। हम लोग चिवड़े के पैकेट और 2-3 पैकेट चिवड़े के एंड यू नो चिप्स थोड़ा बहुत यू नो थोड़ा मतलब जब भी भूख लगे तो खा सके ऐसा कुछ लेके गए थे वहाँ। इससे फ़ायदा ये हुआ कि व्हेन यू ट्रैवल ऑन बोट, अभी 1-1.5 घंटा वो नॉर्मल पब्लिक फेरी को 1.5-2 घंटा लगता था फ्रॉम माफुशी टू माले, सो बीच में भूख लग गई तो खा लिया यू नो। या तो फिर आप कहीं भी खा सकते हो, यू कैन वहाँ पे यू विल नॉट गेट वड़ा पाव ये सब चीज़ें ना वहाँ पे। सो आप लोग को इंस्टेंट भूख लगी तो आप लोग क्या करोगे, सो दीज थिंग्स विल सेव यू। सो कैरी स्नैक्स फॉर योर ट्रिप, इट कैन सेव लॉट ऑफ मनी ऑल्सो एंड आप लोग को थोड़ा यू नो चटपटा ये सब खाने का आदत होगा तो वो भी इसमें सॉल्व हो जाएगा। थर्ड इज दैट आप लोग शॉपिंग करोगे, सो आई सजेस्ट कि आप शॉपिंग लास्ट डे को करो बिकॉज देन आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कितना पैसा बचा है और कितना आई कैन स्पेंड ऑन शॉपिंग। इफ़ यू डू शॉपिंग इन द फर्स्ट डे और सेकंड डे देन यू एंड अप स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड देन बाकी चीज़ें करने के लिए आपको पैसे और विड्रॉ करने पड़ेंगे। सो आई सजेस्ट शॉपिंग डू इट ऑन लास्ट डे और लास्ट सेकंड डे। डू नॉट कैरी एनी काइंड ऑफ अल्कोहल टू मालदीव, दिस इज द फोर्थ सजेशन। मुंबई से दिल्ली से कहीं से भी आप उड़ रहे हो फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, डू नॉट कैरी एनी अल्कोहल मालदीव्स पे बिकॉज मालदीव्स एयरपोर्ट वाले उसको ले लेंगे, दे विल नॉट गोइंग टू गिव यू बिकॉज इट इज़ नॉट अलाउड इन द कंट्री। कहीं से भी आप ले लो, कैसे भी ले लो, नॉट अलाउड। फोर्थ इज ऑब्वियसली बेसिक सी चीज़ें, मेडिसिन ये सब आप कैरी करो, सन ब्लॉक कैरी करो, जो गर्मी जो ऊन लगता है जो बोलते हैं ना कि सन स्ट्रोक की मेडिसिन आप ले लो साथ में रख लो बिकॉज इट इज़ अ बीच, यू एंड अप स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम अंडर द सन। सो येस द नेक्स्ट इज डोंट ब्रिंग बैक रुफिया। नाउ ये चीज़ मैं बहुत इस पर आई लाइक टू फोकस। व्हेन यू टेक डॉलर्स फ्रॉम इंडिया टू मालदीव्स, आप लोग डॉलर्स में स्पेंड करोगे, अभी क्या होता है ना कि अभी सपोज आपने चाय पी ली, सो 10 रुपये के चाय है, सो 10 रुपया 15 रुपये के चाय फॉर एग्जाम्पल, 15 रुपया इज़ $1। नाउ आई गेव हिम $5 का नोट, $5 का नोट आई गेव हिम, सो ही विल गिव मी डॉलर्स बैक इफ ही हैव डॉलर्स, इफ ही डजेंट हैव अ डॉलर ही विल गिव मी रुफिया बैक। सो बेसिकली मेरे पास आगे मालदीवन रुफिया, हर जगह आपको रुफिया तो आपके पास आने ही वाला है। अभी द पॉइंट इज कि आप लोग जब मालदीव से वापस आओगे तो मेक श्योर यू डोंट हैव रुफिया इन योर पॉकेट बिकॉज रुफिया एक्सचेंज करने इतना ईजी नहीं है। रुफिया जो मालदीवन रुफिया है वो बहुत कम एजेंसीज एक्सचेंज करते हैं बिकॉज डॉलर हर जगह चलता है। सो मेक श्योर यू ओनली कीप डॉलर्स विथ यू। अगर आपके पास रुपया बचता भी है तो कोई भी रेस्टोरेंट में जाओ, कहीं भी जाओ, या अपने होटल के काउंटर पे रुपया दे के उसके डॉलर करा लो एंड देन कम हियर इन इंडिया बैक एंड देन यू कैन एक्सचेंज डॉलर इनटू इंडियन रुपीज। सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन। वेल मालदीव्स इज नॉट जस्ट फॉर कपल्स, हम जब भी गए थे हर जगह घूमने के लिए वी सॉ अ लॉट ऑफ
गर्ल्स का ग्रुप, बॉयज का ग्रुप, स्पेशली गर्ल्स का ग्रुप, बहुत सारे गर्ल्स के ग्रुप संबंधित देखिए अलग अलग कंट्रीज से वो आर यू नो एन्जॉइंग इन मालदीव्स. सो मालदीव्स इज नॉट जस्ट फॉर कपल्स, इट इज़ फॉर एवरीबडी. इनफैक्ट मालदीव्स में ग्रुप के जाने में बहुत मज़ा आएगा बिकॉज इट इज़ चिल है, आराम से एकदम, मतलब वहाँ का जाके एक सुकून, अलग ही टाइप का सुकून मिलता है, अवे फ्रॉम दिस अर्बन कॉन्क्रीट जंगल. पता नहीं वहाँ की हवा, देर इज़ अ डिफरेंस. सो मालदीव इज़ फॉर एवरीबडी एंड बी इन लिमिट्स बिकॉज इट इज़ नॉट आर कंट्री. अपने आप ही सब कुछ चलता है पर वहाँ पे मे बी ना चले. सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो. और कुछ अगर रह गया तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो. मालदीव्स के काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किए हैं अबाउट एडेड इन्फॉर्मेशन प्रीवियस वीडियोज़ में. थैंक यू सो मच गाइस. एंड मालदीव्स के काफ़ी लोग हैव सब्सक्राइब्ड एंड जुड़े हमारे साथ. सो आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट. मुझे पता नहीं था मालदीव्स के लोग इतना यूट्यूब देखते भी है. थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग. एंड कुछ रह गया तो डू लेट मी इन द कमेंट्स डाउन बिलो. इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो में से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, इफ यू हैव गॉट सम वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर फॉर दिस इन्फॉर्मेशन बिकॉज नॉट मैनी वीडियोज आई सॉ ऑन यूट्यूब जो ये इन्फॉर्मेशन हमको, क्लियर कट इन्फॉर्मेशन हमको मिली. बिकॉज नहीं मिली यार ये इन्फॉर्मेशन, टू बी फ्रैंक, मैंने एक महीना सर्च किया बट आई डिडंट गेट दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन, एक जनरलाइज प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिली. एंड देन हमने वहाँ जाके फेस किया एंड नाउ आई एम टॉकिंग टू यू. सो अगर मैं कुछ भूल गया हूँ डू लेट मी नो. अगेन आई एम सेइंग आई विल रिप्लाई टू दैट कॉमेंट एंड आंसर दैट क्वेश्चन. एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम पे यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विथ मी एंड डायरेक्टली अपना स्टोरी जैसे बातें रहता है. सो दैट्स इट. आई शुड एंड माई वीडियो हियर. मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में. तब तक खुश रहो, आबाद रहो एंड बारिश का मजा होता हूँ. No one ever told me how hard it's gonna be. My way is full of branches like the roots of a tree. Where should I go from here? I need a good advice. The elders waiting for me at sunrise. I'm in the prison, open doors, 10 directions.